हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एनडीए गठबंधन से विधान परिषद के साथ एक और मंत्री पद मांगा है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद मांझी ने कहा कि 12 या 14 सीटों पर विधान पार्षदों का जो मनोनयन होना है उसमें हमको कम से कम एक सीट जरूर मिलनी चाहिए। मांझी ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार में विश्वास रखते हैं, हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी को एक और मंत्री पद मिले। मंत्रिमंडल विस्तार में पेंच फंसने के सवाल पर मांझी ने कहा कि कोई गतिरोध नहीं है, 50-50 का फॉर्मूला तय हो चुका है। 14 जनवरी को खरमास खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसके पहले कार्यकारिणी की बैठक में मांझी ने कहा कि अगर हम 7 सीट पर चुनाव जीते तो हम तय करते हैं कि कुर्सी पर कौन बैठेगा, सत्ता की चाबी हमारे पास होती है। अब हम भी मजबूत हैं और सरकार पर दबाव बनाकर अपनी बात को प्रमुखता से रखेंगे। साथ ही मांझी ने बताया कि उनकी पार्टी बंगाल विधानसभा और दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ेगी। बंगाल में पार्टी के नेता कृष्ण सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगले 15 से 20 दिनों में बंगाल में बड़ी आम सभा होगी, जिसके बाद तय होगा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। इसको लेकर जेडीयू से भी चर्चा की जाएगी। आगे मांझी ने बताया कि बिहार के अलावा दिल्ली, झारखंड और बंगाल में भी पार्टी का विस्तार किया जाएगा। पार्टी की बिहार इकाई भंग कर दी गई है। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर नए सिरे से संगठन बनाया जाएगा। कम से कम 10 लाख नए सदस्य पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य है।